जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा मस्जिद गौसिया अल मारूफ एक मीनारा गोल मस्जिद लतीफाबाद 6 नंबर में। और जैसा कि आपको मालूम है कि माह रबीउल नूर शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और मस्जिद हाजा के अंदर 12 रोज़ा महाफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 12 रोज़ा प्रोग्राम्स होते हैं। और इस जामा मस्जिद गौसिया के अंदर जो है आज यकुम रबीउल अव्वल से पहला प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और चूँकि इस वक्त मच्छरों की बड़ी बहुतात है और बड़ी परेशानी थी, और चूँकि ये जामा मस्जिद है और बहुत इसमें हरियाली भी है, तो इसी हवाले से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का, हमारे खुर्रम लोधी भाई का, कि उन्होंने जो है अपनी ज़ेर निगरानी जो है इस मस्जिद हाजा के अंदर जो है ये स्प्रे करवाया डेंगू से बचाव के हवाले से। चूँकि सूरत हाल ये भी है कि हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब जो हैं उनको और हमारे मौजन साहब को भी जो है डेंगू का मर्ज़ हो गया था, और इसी वजह से जो है वो उन प्रोग्राम्स वगैरह में शिरकत से थोड़े से कासिर थे। तो इसी हवाले से इन्होंने जो ये सिलसिला किया कि पहले जो है पहली फुर्सत के अंदर जो यहाँ पर ये स्प्रे कराया गया, ताकि यहाँ पर आने वाले नमाजी हजरात, इसके अलावा महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले हजरात जो है उनको कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चूँकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है और इसका तदारुक भी होना चाहिए, इस तरह के स्प्रे वगैरह भी होने चाहिए। तो मैं तमाम ही उन लोगों का जिन्होंने इस हवाले से ताउन फरमाया मस्जिद इंतज़ामिया के साथ, और जो कुछ भी यहाँ सिलसिला वगैरह हुआ, जो स्प्रे वगैरह कराया गया, मैं अपनी जामा मस्जिद गौसिया ट्रस्ट की जानिब से भी उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ। और गुजारिश भी यही है कि चूँकि ये एक दफ़ा तो आपने स्प्रे करा दिया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 12 रोज़ा महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू है, तो अगर यहाँ पर वक्तन फ़क्तन जो है यहाँ पर स्प्रे वगैरह करा दिया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी हो जाएगी, और ये जो डेंगू जिस तरीके से फैल रहा है इसके हवाले से भी कुछ जो रोकथाम हो सकेगी। तो मैं तमाम हजरात का एक मरतबा फिर दिन की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की जजाए खैर अता फरमाए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ा महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम हो रहे हैं, तमाम अहले महल्ला को तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि इन महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाल्लाह इशा की नमाज़ के फौरन बाद शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 10 बजे तक जो ये प्रोग्राम हमारे ख़त्म भी हो जाएंगे। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि इन प्रोग्राम्स के अंदर भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ बरकतें रहमतें अता फरमाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।